फेसबुक से डेटा चोरी करने के बाद विवादों में आई कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी बुधवार से बंद हो गई। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर फेसबुक से डेटा चोरी कर उसका चुनाव अभियान के दौरान गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आरोपों के बाद दुनिया में इस संस्था की खूब किरकिरी हुई, जिसके बाद इसे बंद करने का फैसला लिया गया। मामले पर कंपनी के सीनियर अधिकारियों का हालांकि कहना है कि हमारे खिलाफ लगे आरोपों के बाद क्लाइंट मिलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिससे काम करना आसान नहीं है। हमारे सभी क्लाइंट हमसे दूर हो गए हैं, हम अब अपना काम जारी नहीं रख सकते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर विश्व के कई देशों के चुनाव अभियान को प्रभावित करने का आरोप तक लग चुका है। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है। इस विवाद के बाद फेसबुक को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के खिलाफ दुनिया भर में कई लीगल मामले भी चल रहे हैं। पिछले दिनों केस के खुलासे के बाद भारत सरकार ने भी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर कड़ा रुख अपनाया था। सरकार की ओर से कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।